आपको पूरा यहाँ पे एकदम वुडन स्ट्रक्चर मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी आपको पूरा वुडन का ये कॉटेज मिलेगा एंड ये है आपका बाहर का एरिया। ओके हे गाइस, तो ये है आपके होस्ट और आपके दोस्त मिस्टर अनुभव। तो मिलवाती हूँ मैं आपको इनसे और बताती हूँ मैं आपको इस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट के बारे में थोड़ा सा। हे गाइस, दिस इज सिमरन एंड वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन सिम व्लॉग्स। तो मैं आ रखी हूँ मुक्तेश्वर एक अपनी छोटी सी वीकेंड ट्रिप के लिए एंड मैंने यहाँ पे जो अपना स्टे बुक किया है वो किया है एक आयु विला में। तो इस कंप्लीट विला का मैं आपको टूर देने वाली हूँ। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंड मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ के जो होस्ट है उनसे भी आपकी थोड़ी सी बात कराऊँ सो दैट आपको यहाँ के बारे में थोड़ा और डिटेल में पता चल पाए। तो चलो साथ में मिलकर चलते हैं एक वर्चुअल टूर पे आयु विला के। तो देखो ये आपका रिजॉर्ट से है व्यू, ठीक है। तो लेट मी शो यू यहाँ वाला रूम। देखो आप आओगे तो आपको पूरा यहाँ पे एकदम वुडन स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत ही कॉटेज वाला आपको वाइब मिलेगा, ठीक है। एंड एंटर करते यहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट के लिए टीवी यूनिट हो गया, देन दे हैव अ कंप्लीट वार्डरोब हियर, देन देयर इज अ नाइस कोजी बेड एंड दिस इज नॉट ऑल। ओके देन आप यहाँ से यू कैन गो अपस्टेयर्स एंड देन वी हैव अ बंगलो हियर। दिस इज द बेस्ट थिंग राइट। एंड यहाँ से मॉर्निंग में उठते के साथ ही आपको ये पूरा व्यू मिलने वाला है। हाय, सो कैसा लगा आपको आपका स्टे यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव द रूम एंड इट्स वेरी कोजी राइट। सो यहाँ पे आपको ये बेड मिलेगा, ऊपर आपको बंग बेड मिलेगा एंड यहाँ से आप स्टार गेजिंग कर सकते हो। रात को मॉर्निंग में आपको सनराइज देखने को मिलेगा और रात में आपको स्टार गेजिंग मिलेगा। सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कोजी एम्बियंस है यहाँ की और अब मैं आपको यहाँ के और रूम्स दिखा देगा। देन यहाँ पे आपको पूरा मिरर मिल जाएगा रेडी होने के लिए एंड देन लेट मी शो यू द वॉशरूम। सो अगेन यू विल गेट योर मिरर हियर, ठीक है। देन गीजर इज हियर एंड योर कमोड एरिया इज हियर। यहाँ के हर रूम में आपको चेयर्स और टेबल मिलेगी सो यू कैन इवन सिट हियर विद योर पार्टनर टू एंजॉय दिस पहाड़ों वाली चाय और मैगी विद दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू। देन सिमिलरली सेम तरह का रूम आपको इधर भी मिल जाएगा, अगेन रूम मिरर टेबल एंड चेयर एंड ऊपर आपका बंक बेड एंड देन वॉशरूम। यहाँ से भी अगेन यू विल गेट द व्यू। Say hi. Hi. So this was the place जो मैंने भी आपको दिखाया था and now मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड से। अगेन यहाँ पे भी आपको पूरा वुडन का ये कॉटेज मिलेगा with a double bed, TV unit, and oh my god, this is so pretty, isn't it? यहाँ पे भी साइड में आपको चेयर टेबल मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल है हर रूम में जस्ट इन केस आपको वार्म वाटर करना है या कुछ भी करना है। प्लस एक और जो बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे इस रूम की लगी है वो है कि जब आप यहाँ हो तो आप यहाँ से ये व्यू इंजॉय कर सकते हो। एंड सी यहाँ के हर रूम से आपको बहुत अमेजिंग व्यू मिलने वाला है एंड इधर बैठ के लाइक आई लव रीडिंग, तो यहाँ बैठ के आप कुछ भी रीड कर सकते हो। लाइक दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर रीडिंग और फॉर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम राइट। देन यहाँ पे एक सेपरेट आपको ये मिल जाएगा काइंड ऑफ योर क्लोजेट, सो यहाँ यू कैन कीप योर सामान। यहाँ पे आप तैयार हो सकते हो, अपने आप को निहार सकते हो एंड
दिस इज द वॉशरूम, सबसे प्रीटी वॉशरूम यहीं का है, ठीक है। एंड आई वॉज स्टेइंग इन दिस रूम, सो येस द कमोड एरिया, दिस इज योर बेसिन एरिया। एंड सो अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं कभी भी अगर रूम टूर देती हूँ, मुझे जब भी मिरर दिखता है मैं ज़रूर हाय बोलती हूँ। सो हाय फ्रॉम माई साइड, एंड दिस इज द वॉशरूम, देन दिस इज योर शावर एरिया। सो यहीं से आ गए हम अपने थर्ड रूम की तरफ। अगेन यू विल गेट अ नाइस बेड हियर, चेयर टेबल, दैट सिटिंग एरिया जहाँ से आपको व्यू भी मिलेगा, एंड द टीवी यूनिट। सो हर रूम में आपको सेम सारी यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी इट्स लाइक अ योर वॉक इन क्लोज़ेट एरिया। तो अगर आप ऐसे प्राइवेट सिंगल सिंगल रूम्स रहना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ रहे हो, आप सब कुछ आइए कि आप साथ में रहो, फन करो, तो आप ये वाला पूरा कॉटेज बुक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रूम से दूसरे, दूसरे रूम से तीसरे रूम की एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो। ऑब्वियसली हर रूम के बीच डोर्स हैं, लॉक्स हैं, एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट। यहाँ पे हर रूम से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, ठीक है। हर रूम के अंदर आपको इलेक्ट्रिक केटल है, एंड टीवी यूनिट है, चेयर एंड टेबल है, एंड ऑफ कोर्स द क्लोज़ेट एरिया, फुल लेंथ मिरर यू विल गेट, एंड अ नाइस बाथरूम यू विल गेट। सो बेसिकली हर रूम में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, एंड ऑल आर वेरी प्रीटी, नीट एंड क्लीन। दिस इज आवर डाइनिंग एरिया, एंड लेट्स सी अंदर क्या हो रहा है। अरे आप लोग चुप रहोगे। सो व्हाट्स कुकिंग गाइस? डाइनिंग एरिया की वाइब भी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत प्यारा माउंटेन व्यू मिलेगा। और यही यहाँ की यूएसपी है कि चाहे रूम हो चाहे किचन हो, हर जगह से आपको माउंटेन व्यू मिलने वाला है। एंड ये है आपका बाहर का एरिया, ओके। सो मैं पिछले 3 दिन से यहीं पड़ी रहती थी। देन वी हैव सिटिंग से, और रात को यहीं पे आप बॉनफायर लगा सकते हो, जो कि हम लोगों ने लगाई थी। एंड हाय, सो आप 3 दिन से यहाँ रुके हुए, राइट? यस। कैसा रहा आपका स्टे? वेरी वंडरफुल, पीस है यहाँ पे इस लोकेशन पे, और सीनरी आप देख ही रहे हैं पीछे, राइट। सो ब्यूटी, एंड यहाँ का जो अभी क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी अच्छा है, तो काफी अच्छा स्टे रहा हमारा। और सर्विस स्टाफ की बहुत अच्छी है, काफी पोलाइट हैं, और काफी अच्छी हम लोगों के साथ स्वागत किया, और यहाँ का जो फूड है वो भी बहुत अच्छा है। सो एवरीथिंग इज गुड, नाइस, एंड आई वुड रिकमेंड कि एनीबॉडी इज प्लानिंग टू कम, प्लीज विजिट दिस प्लेस, इट्स वेरी ऑसम। थैंक यू सो मच। हे गाइस, तो ये है आपके होस्ट और आपके दोस्त मिस्टर अनुभव। तो मिलवाती हूँ मैं आपको इनसे और बताती हूँ मैं आपको इस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट के बारे में थोड़ा सा। सो हाय गाइस, एक्चुअली में ये सुंदर खाल में मुक्तेश्वर में ये विला है, एंड ये आपको भीमताल से 1 घंटे के रास्ते पे और ऊपर आता है। काफ़ी ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। बस 4 रूम्स हैं जिसमें आपके पास स्टार गेजिंग के लिए भी अलग से बेड्स हैं, तो बंक बेड्स हैं, एंड उसमें भी आप 3 से 4 लोग आराम से रुक सकते हैं। एंड हमारे पास फुल्ली वुडन कॉटेजेस हैं, पूरा इंटीरियर इसका, एंड आई मीन जाड़ों में काफ़ी बर्फ भी गिरती है। अच्छा, तो आपका ये जो विला है इसकी बुकिंग हम ऑफलाइन कर सकते हैं या हमें ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी? आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सारे OTS प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं आई विला मुक्तेश्वर के नाम से, और आप चाहते तो डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। अब मेरा नंबर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने यूजर्स को दे सकते हैं, सो उसके बाद आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी हमारे पास ये 5+1 BHK का कॉटेज है और डाइनिंग एरिया अलग है, सो ऑलमोस्ट हमारे पास 15-20 का ग्रुप, चाहे वो कॉरपोरेट्स का हो चाहे वो फैमिली का हो, वो आराम से आ सकते हैं, पूरी प्रॉपर्टी को प्राइवेटली बुक कर सकते हैं। ओके, दैट्स परफेक्ट। सो इनका जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वो स्क्रीन पे भी कहीं आ रहा होगा, तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे फुली फ्लेश्ड किचन है हमारे पास, जो आप हमारे पास कुक भी हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उनसे भी बनवा सकते हैं, और आप खुद भी चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेशली जब आप उसको प्राइवेटली बुक करते हैं पूरे विला को, मतलब आप एक ही
उसके अलावा मेन्यू कार्ड तो आपको यहाँ से ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर आप इसे प्राइवेटली बुक कर सकते हैं तो आप जब जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पे कुक्स है वो बहुत अमेजिंग खाना बनाते हैं। मैं 3 दिन से यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है एंड द फूड इज़ रियली अमेजिंग। एंड वो यहाँ के लोकल पहाड़ी है, राइट? करेक्ट। हाँ, सो वो ऑथेंटिक टेस्ट जो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्या वो नियर बाय है या फिर ये प्लेस इतना ऑफ बीट है कि वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा? आई मीन इट्स एवरेज, प्योर ऑफबीट भी नहीं है। सो अप्रोक्सीमेटली मुक्तेश्वर मंदिर यहाँ से जो मेन मुक्तेश्वर धाम है वो 10 किलोमीटर के आसपास रहता है और समवेयर अराउंड 20-25 मिनट्स का ड्राइव है। एंड भालू का वाटरफॉल भी है, वो भी ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर है। तो और अट्रैक्शन में हमारे पास यहाँ से बाबा नीम करोड़ी है जो कैची धाम के नाम से फेमस है और डैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स ड्राइव फ्रॉम हियर और आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसके अलावा एक 2.5 आवर्स की जर्नी अगर आपको और करनी है तो सूर्य मंदिर भी जा सकते हैं कटारबल में, जो कि इंडिया का सेकंड सन टेंपल है कोणार्क के बाद। सो वो काफ़ी बेटर अट्रैक्शन है आप जाके। हमें भी ये यहीं आके पता चला है, हमें भी नहीं पता था। तो ये फ़ायदा होता है जब आप आके ऐसे प्लेसेस पे रुकते हो तो बहुत से ऐसे हिडन प्लेसेस होते हैं जिसके बारे में सबको नहीं पता, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाता है। प्रॉपर्टी के ही जस्ट बगल में ही आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ से हिमालय रेंजेस का क्लीन व्यू है। 5-7 मिनट का ट्रैक करते हैं, बहुत क्लीन आपको व्यू आता है। और अगर आप चाहते हैं तो नीचे नदी भी है, वो भी ट्रैक करके जा सकते हैं, बट वो बहुत इजी नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ मीडियम से भी थोड़ा ऊपर का ट्रैक। आई लव एडवेंचर्स, तो आई होप मेरी ऑडियंस को भी उतना ही एडवेंचर पसंद होगा, तो हम कर लेंगे। तो अगर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना डिटेल्स में यहाँ के बारे में सब बता दिया। बाकी इनका नंबर और आप कहाँ कहाँ से बुक कर सकते हैं वो तो ऑलरेडी इन्होंने आपको बता दिया, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, सो आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ही इज मिस्टर अनुभव। थैंक यू सुमन जी। ओके थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द लवली स्टे एंड फॉर द लवली हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। आप जल्दी से अपना ट्रिप प्लान कर लो मुक्तेश्वर का एंड अगर यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ आके रुक जाना, डिटेल्स मैंने आपको दे रखी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।